कुछ दिनों पहले हुए जेएनयू में हमले को लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राजगढ़ नाके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुतले का दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जेएनयू में नागरिक संशोधन बिल को लेकर हंगामा किया गया, लेकिन कई समाज बिल के समर्थन में थे, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फर्जी लोगों को लाया गया और बेवजह विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना की निंदा करते हुए जेएनयू के पुतला दहन किया गया। झाबुआ से प्रेम सहयोगी की रिपोर्ट। सर, CSE को लेकर जो ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है सर उसमें और किस प्रकार की प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? CAA को लेके हम हिंदू नागरिक के बैनर तले एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 4 आवेदक थे। उन्होंने आवेदन दिया था। आवेदन के तहत चूँकि उस आवेदन को हमने मान्य किया था, जिले में 144 धारा प्रचलन में है और उसके परिपालन में हमने उनको ये कहा था कि हमारे जिलाधीश महोदय के निर्देशन में कि चूँकि जिले में 144 धारा प्रचलित है, ऐसी स्थिति में हम सभाएं और रैली की परमिशन और ज्ञापन की परमिशन नहीं दे पाएंगे, और हमने उनका आवेदन खारिज किया। लेकिन बावजूद उन्होंने रैली भी की और ज्ञापन भी, सभा भी की और ज्ञापन भी दिया। इसके तहत जो है उन्होंने 144 का वायलेंस किया है और 188 का सीधा सीधा जो है तहत, उसके तहत जो है कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और ये कार्रवाई प्रचलन में है और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? वो अब चूँकि वहाँ तो बहुत सारे लोग थे, उनकी हमने वीडियोग्राफी की है, उस वीडियोग्राफी के अंदर जो चेहरे आएंगे उनके तहत वो कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से आवेदन दिया था उनमें नामजद तो आए हैं? हाँ, मैंने बताया कि 4 लोगों के तो नामजद आवेदन थे, जिसमें हमारे ओम जी शर्मा है, ओम प्रकाश शर्मा है, सुराना है, एक और कोई आवेदन, ठीक है, उसके तहत जो है कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।